हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर वेल एंड स्टेइंग सेफ। आज की हमारी वीडियो जो है वो मेरी एक गलती है। जी हाँ जी, मेरी गलती है। मैं मिल्क बॉयल कर रही थी तो पता नहीं कैसे बर्तन में जल गया। तो इस वीडियो में हम इसी गलती को सुधारेंगे। तो इसके लिए मैंने यह सोच रही थी कि क्या करें ऐसा कि इससे जो इतनी गंदी सी स्मेल आ रही है ना वो चली जाए। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पर ही वीडियोस देखी, तो उसमें ये बताया था कि या तो आप इससे पनीर बना लो और या फिर इसकी गंदी सी स्मेल हटाने के लिए कुछ उन्हें बताया था कि वो यूज़ करो। तो हम वही यूज़ करेंगे, देखते हैं कि इसकी गंदी सी स्मेल जाती है या नहीं जाती। तो एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए हम अब किचन में चलते हैं। तो चलिए, ये है हमारा दूध जो पूरी तरह से जल चुका है। जी हाँ, इसको मैंने जला दिया। इसको हम एक अलग बर्तन में निकालने जा रहे हैं। मलाई आपकी इच्छा है, आप इसमें निकाल दो या नहीं निकालनी है तो मत निकालो, कोई बात नहीं। ये बहुत गंदे तरीके से जला है, वो देखो बर्तन। ये देखो कितना ज़्यादा जला है। जितना ज़्यादा जला है उतनी ही जलने की स्मेल इसमें से आ रही है और इसका टेस्ट इतना ही ज़्यादा गंदा है। तो हम देखेंगे क्या होता है। चलो, हम सबसे पहले लेते हैं हम तेज पत्ता। ये 3-4 तेज पत्ते और 2 मोटी इलायची ली है मैंने, थोड़ी सी दालचीनी और 5-6 लौंग लिए हैं मैंने, जो कि हमें किचन में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। और ये रहा हमारा देसी घी। याद रखिए, हमने देसी घी लेना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है। इन खड़े मसालों को इसमें डालना है और फ्राई करना है। फ्लेम हमारा कम होना चाहिए ताकि ये मसाले जले नहीं, इन्हें ब्राउन करना है। ये देखिए, हमारे मसाले ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हमने उसी दूध में डाल देना है। देखिए, ब्राउन हो चुके हैं मसाले, यहाँ पे कम फ्लेम पर ही ब्राउन किए हैं। इसमें डाल देना हमें सारा कुछ। डालने के बाद इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। तो देखेंगे 10 मिनट बाद, 10 मिनट हो गए, हम देखेंगे इसकी स्मेल गई है या टेस्ट इसका ठीक हुआ है, क्या हुआ है, देखते हैं इसमें। देखने में इसका कलर तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, ऐसे कैसे है। होप इसकी स्मेल चली गई हो या इसका टेस्ट चला गया हो, दोनों में से कुछ भी जाए यार, कुछ भी जाए जाए। लेकिन हम स्मेल करके देख लेते हैं ताकि स्मेल से पता चले इसका कितनी स्मेल कम हुई है। तो इसकी स्मेल में कुछ फर्क नहीं है, ये ऐसी की ऐसी ही है स्मेल। तो ऐसा करते हैं, हम इसे इसको हम अब टेस्ट करके देख लेते हैं। हो सकता है कि स्मेल ऐसी हो लेकिन टेस्ट में कुछ फर्क हो, ताकि हम इसका कोई यूज कर सकें। इसका टेस्ट भी वैसे का वैसा ही है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हो सकता इसका। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो कमेंट में बताना, लेकिन ये ऐसे का ऐसा ही है। ये हमारा हो चुका है वेस्ट। जी हाँ, ये हमारा हो चुका है वेस्ट। ये मैंने एक्चुअली दूध मंगाया था गाजर के हलवे के लिए, लेकिन गाजर का हलवा तो बन नहीं सका क्योंकि दूध ही हमारा जल गया और उसका कुछ भी नहीं हुआ। चलो, नेक्स्ट टाइम से ही गाजर का हलवा बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम हो तब दूध नहीं जलेगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।